हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीडी स्टाइल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं मूली के पराठे बनाने जा रही हूँ, जो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और ये विंटर के सीज़न में बहुत जल्दी इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं। मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मूली को कद्दूकस करके इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है, 1 इंच अदरक, 2 हरी इलायची, छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 कप हरा धनिया, छोटा चम्मच गरम मसाला 1/2 चम्मच, चाट मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, अजवाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरा धनिया 1/2 छोटा चम्मच। यहाँ आटा मैंने 2 कप लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है, सॉल्ट। सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। आटे में हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, अजवाइन, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। इसका अब हम एक डो रेडी कर लेते हैं। इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे ऊपर से, और इसे थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं। डो रेडी हो गया है, इसको अब हम रेस्ट करने के लिए 10 मिनट रख देते हैं। स्टफिंग के लिए अब हम यहाँ पर मूली जिसको हमने पूरा अच्छे से इसका पानी निकाल लिया था उसे लेंगे। इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे हम। अदरक, गरम मसाला, अजवाइन, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला, हरा धनिया, इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। मूली की स्टफिंग रेडी हो गई है, अब हम मूली के पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटे की हम 2 लोई बना लेंगे और इनकी हम 2 रोटी बना लेंगे पतली पतली बेल के। पहले 1 रोटी हम बेल लेते हैं। ये 1 रोटी मैंने बेल ली है, अब मैं दूसरी रोटी भी बना लेती हूँ। ये मेरी दूसरी रोटी मैंने इसे बना ली है, अब हम इसमें स्टफिंग रखते हैं। इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से फैला लेंगे और साइड में हम थोड़ा सा छोड़ देंगे किनारे किनारे। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब इस पे हम दूसरी रोटी इस तरीके से रख देंगे और इसे प्रेस करेंगे चारों तरफ से हल्के हाथों से, और इसके ऊपर हम इस तरीके से बेलन को ऐसे धीरे धीरे चलाएंगे। रेडी हो गया है, अब हम इसे तवे पे डाल देते हैं सेकने के लिए। पैन हमारा गर्म हो गया है, हम तवे पे पहले ग्रीस कर लेते हैं रिफाइंड ऑयल से। इसे अब हम डाल देते हैं इस तरीके से। इसे हमें क्रिस्पी टाइप से सेकना है।
इसे हम पलट लेते हैं। देखने में जितना टेस्टी और अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। इसे प्रेस करते हुए इसे हम पलट लेंगे। इसे दबा दबा के हम सेकेंगे। ये हमारा बनके रेडी हो गया है, इसे अब हम सर्व करते हैं। ये मूली का पराठा बनके रेडी हो गया है और इसकी मैंने कटिंग कर दी है। देखिए कितना क्रिस्पी कितना टेस्टी लग रहा है ये देखिए। वाओ, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।